हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कन्या पूजन के लिए जो हम सब्जी बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, उस तरीके से। तो मैंने ये चने लिए थे, ये काले वाले चने हैं जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। और मैंने इन्हें सुबह में 4 से 5 सीटी लगाकर अच्छे से बॉयल कर लिया। ये देखिए, ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो ये मैंने 4 से 5 लिए हैं बॉयल आलू। और मैंने एक टमाटर को बारीक कट कर लिया है। तो मैं बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने गैस पर अब कढ़ाई रख दी है, अब इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 3 से छोटी चम्मच। अब इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे जीरा 1 चम्मच, साथ ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर, ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा लिया मैंने काली मिर्च का पाउडर। इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक ऐड करने से जल्दी से हमारा जो है ये टमाटर गल जाएगा। तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं, कम मसाले वाली, क्योंकि कन्या पूजन के लिए बहुत ही बच्चों के लिए बनाना रहता है, तो इसलिए कम मसालों में ही मैं बनाऊंगी। तो अब हम अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, बहुत थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच बस। अब इस मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा जब तक हम इसे पकाएंगे। तो मैं इसके लिए इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। करते हैं अपना मसाला। तो देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मेथी, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का ऐड करने से। अब बस अब इसमें मैं अपने ये जो मैंने बॉयल आलू लिए थे, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लिया है। तो मैं ये अब इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसको आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें मसाले में, और साथ ही ऐड कर देंगे ये जो मैंने चने लिए हैं बॉयल, और सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उससे पहले मैं इसे कम से कम 1 मिनट के लिए इस तरीके से ही मसाले में भुनेंगे पहले, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए और मसाले में ऐसे ही पका लेती हूँ। मैंने इसे 1 मिनट के लिए मसाले में पका लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से लें, आपको जैसी ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से। अब इसे फिर अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर देंगे। मैंने इस पर पानी ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकाऊंगी, उसके बाद चेक करेंगे। चेक करते हैं सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए ढका था, उसके बाद ही अच्छे से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और साथ ही ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने गैस ऑफ कर दी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है हमारी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू और काले चने की सब्जी बनकर तैयार है। आप एक बार इस तरीके से बनाएं, सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।